दोस्तों, कल ही टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और आज से गेम्स शुरू हो चुकी है। इसी बीच में आज आपको ओलंपिक्स रिंग्स या फिर ओलंपिक्स के सिंबल के बारे में जानकारी दूंगा। ये ओलंपिक्स रिंग्स किसने बनाई, क्यों इसमें 5 ही रिंग्स होती है और इनमें 5 ही रंग क्यों होते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब ओलंपिक्स सबसे पहले 1896 में शुरू हुआ था तब ये रिंग्स का सिंबल नहीं था। ओलंपिक्स रिंग्स को 1913 के ओलंपिक्स में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। इन रिंग्स को आधुनिक ओलंपिक्स के को फाउंडर बैरन पियर्दे ने 1912 में डिजाइन किया था। ओलंपिक सिंबल में 5 समान आकार की रिंग्स होती है। ये सारी रिंग्स अलग अलग रंग की होती है। ये ओलंपिक सिंबल ओलंपिक्स आंदोलन की गतिविधियों को व्यक्त करता है। इस सिंबल में 5 रिंग्स इसलिए होती है क्योंकि ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल के अंदर इन रिंग्स का एक दूसरे से जुड़े रहना दुनिया भर से आए खिलाड़ियों का यूनियन दर्शाता है। बहरहाल, इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में 100 से भी अधिक भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई हुए हैं। पूरे देश भर से इंटरनेट के माध्यम से लोग इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार के ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।